हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। सो यहां फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग से कमांड के बारे में ऑफ ए स्पार्क सीएलआई लिस्ट, दैट इज डीबी टेबल। डीबी टेबल कमांड क्या है, हम इसे कैसे यूज़ करते हैं और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इन सभी क्वेश्चन के आंसर हम इस वीडियो में सर्च करने वाले हैं। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। सो फाइनली फ्रेंड्स, हमने इस प्लेलिस्ट को या कह लें इस कोर्स को हमने इंटरेस्टिंग बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि पिछले कुछ वीडियो से हमने काफ़ी अमेजिंग कॉन्सेप्ट को सीख लिया है, जैसे कि राउट्स कॉन्सेप्ट एज वेल एज माइग्रेशंस कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्पार्क सीएलआई के एक इंटरेस्टिंग से कमांड के बारे में, दैट इज डीबी टेबल। चलते हैं प्रोजेक्ट टर्मिनल पे और टाइप करेंगे पीएचपी स्पार्क, तो हम देख पाएंगे हमारे पास काफ़ी सारे कमांड्स के सेक्शन हैं। हम चलेंगे डेटाबेस वाले सेक्शन में और यहाँ पर हमारे पास एक कमांड है कॉल डीबी टेबल। अब इस पूरे वीडियो में हम इसी कमांड के बारे में बात करेंगे, ये कमांड क्या है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, सब क्वेश्चंस के बारे में। उससे पहले आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हमने माइग्रेशंस क्लासेस को यूज़ करके इन टेबल्स को क्रिएट किया था। सो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैंने इसी टेबल में कुछ एंट्रीज किए हैं ताकि हम बेहतर तरीके से उस डीबी टेबल कमांड को समझ सकें। चलते हैं टर्मिनल पे। टर्मिनल पे जाने के बाद मैं टाइप करने वाला हूँ पीएचपी स्पार्क डीबी टेबल मीन्स डीबी कोलोन टेबल। एक फ्लैग यूज़ करने वाला हूँ, जस्ट एंड प्रेस एंटर, तो हम देख पाएंगे कि जितने भी टेबल्स हमारे डेटाबेस में अवेलेबल हैं वो सारे लिस्ट हो चुके हैं। तो सिंपल सा मीनिंग है, ये जो कमांड हमने यूज़ किया, सबसे पहले इसके डेटाबेस के कनेक्शन जो हमने यूज़ किया है, जो कनेक्टेड है, दैट इज़ CI4 डेटाबेस 1, उस टेबल के अंदर जा करके जितने भी टेबल्स हमने क्रिएट किए ऑटोमेटिक तरीके से उसने लिस्ट कर दिया है। सो दिस इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग डीबी टेबल कमांड। बट रिमेंबर, हमें ये फ्लैग पास करना है। नेक्स्ट फ्लैग के बारे में देखते हैं, सो पीएचपी स्पार्क डीबी टेबल। नेक्स्ट पास करने वाले हैं मेटा डेटा, बट बिफोर दैट हमें पास करना है टेबल नेम। तो मान लेते हैं हमारे पास टेबल है कॉलेज स्टूडेंट्स, इनके सारे फील्ड्स और डेटा टाइप के बारे में देखना चाहते हैं, तो हमें पास करना है टेबल नेम और फ्लैग पास करेंगे, दैट इज मेटा डेटा। तो होने वाला क्या है, ये जो टेबल है स्टूडेंट, इसका जो स्ट्रक्चर है या कह लें स्कीमा जो हमने क्रिएट किया है, वो सारे के सारे डिस्प्ले हो जाएंगे इन टेबुलर फॉर्मेट इनसाइड दिस स्पार्क सीएलआई कमांड। एंटर पास करते हैं, तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास कुछ टेबल में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, दैट इज स्टूडेंट्स, हमने स्टूडेंट पास किया है। सो अगेन इट इज़ आस्किंग कौन से टेबल हमें देखने हैं, तो मान लेते हैं हमने ट्रू प्रेस किया, एंटर, तो हम देख पाएंगे हमारे पास फील्ड नेम, फील्ड के टाइप, मैक्स लेंथ, नलेबल, डिफॉल्ट एंड प्राइमरी की, मतलब पूरा का पूरा जो टेबल का स्केलेटन है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो बिना डेटाबेस के अंदर जाए, अगर हमें टेबल के स्ट्रक्चर के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी हो, हमें देखना उसके पूरे डिज़ाइन को, तो सिंपल हम यूज़ करने वाले हैं पीएचपी स्पार्क डीबी टेबल, टेबल नेम एंड मेटा डेटा। अब ये तो रही हमारी टेबल के इन्फॉर्मेशन के बारे में, क्या हम इस कमांड को यूज़ करके टेबल को डेटा भी डिस्प्ले कर सकते हैं? एग्जैक्टली, यहाँ जितने भी डेटा हम देख सकते हैं इस टेबल में, उन सारों को लिस्ट कर सकते हैं अपने टर्मिनल में। कैसे करेंगे, पीएचपी स्पार्क डीबी टेबल, हम पास करेंगे टेबल नेम कॉल स्टूडेंट्स, एंटर पास करते हम देख पाएंगे हमारे टेबल में टोटल 4 रोज हैं, स्टूडेंट 1, 2, 3, 4, वो सारे के सारे रोज जो हमने क्रिएट किए हैं वो सारे के सारे लिस्ट हो चुके हैं। सो इट इज़ रियली रियली अमेजिंग। अब यहाँ फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि हमें 4 डेटा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2 चाहिए, तो 2 के लिए भी हम पुट करने वाले हैं पीएचपी स्पार्क डीबी टेबल स्टूडेंट्स, और मैं करने वाला हूँ एक और फ्लैग का यूज, दैट इज लिमिट रोज इक्वल्स टू 2। एंटर पास करते हैं हम देख पाएंगे हमारे पास टॉप 2 रोज हैं, जैसे कि स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2। अगर यहीं पे मैं चाहता हूं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास स्टूडेंट 4 और स्टूडेंट 3 मींस 2 रोज फ्रॉम डिसेंडिंग, तो हम उसे भी देख सकते हैं। कैसे, पीएचपी स्पार्क डीबी टेबल, हम यूज करेंगे टेबल नेम कॉल स्टूडेंट्स, उसके बाद लिमिट रोज, हम फ्लैग यूज करने वाले हैं, सो लिमिट रोज इक्वल्स टू 2, और उसके बाद हम यूज करेंगे एक और फ्लैग, दैट इज --DESC मींस डिसेंडिंग। एंटर पास करते हम देख पाएंगे ID equals to 4 and ID equals to 3।
सो यहाँ फ्रेंड्स हम देख सकते हैं ये कमांड कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना डेटाबेस के अंदर जाए हमने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है, जैसे कि कितने सारे टेबल्स हमारे डेटाबेस में हैं, साथ ही साथ टेबल का स्ट्रक्चर क्या है और टेबल में डेटा क्या है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। सो यहाँ पर इस कमांड को यूज़ करने के पहले अगर इसके हेल्प पैनल को ओपन करें, सो PHP Spark Help DB Table, तो यहाँ देख पाएंगे हमारे पास सिंटैक्स है कि इस कमांड को यूज़ करने के बाद हमें पास करना है टेबल नेम, जो कि एक ऑप्शनल पैरामीटर है, और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि उन सारे ऑप्शंस या फ्लैग्स जिनको हमने यूज़ किया है। साथ ही साथ यहाँ हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको देख करके आप इस कमांड को यूज़ कर सकते हो। सो फाइनली फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में देखा कि हाउ टू यूज़ DB टेबल, एक इंटरेस्टिंग से कमांड ऑफ Spark CLI। सो आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था आपके लिए। सो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।